अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो एक बहुत बड़े कवि थे। इस वक्त हम सत्यनारायण सत्तन जी के साथ में मौजूद हैं, राष्ट्रकवि सत्तन जी के साथ मौजूद हैं, और ख़ास बात यह है कि सत्तन जी खुद कवि हैं और इस नाते उन्होंने बहुत सारे मंच उनके साथ साझा किए हैं। उनके विचारों को समझते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, उनके धर्म को समझते हैं। सत्तन जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। और अटल जी के बारे में कुछ हम चाहते हैं शुरुआत वहाँ से हो कि कुछ आप बताएं कि जब मंच साझा किया करते थे आप, तो हालांकि बहुत बातें हो रही हैं, सब जानते भी हैं कि अटल जी एक महान व्यक्ति थे, लेकिन कुछ बातें जो ये बता पाएँ कि उनकी महानता इस तरह से बयां होती। सहज सरल साहिब रघुराजू, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के संदर्भ में कहा है। ये पंक्ति अटल जी के संदर्भ में भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित होती है। वो अपने सहज थे, सरल थे, साहब होने के बावजूद भी कोई उनसे ये नहीं कह सकता था कि वो साहबी के लक्षणों से युक्त हैं। वो कभी हृदय रखते थे, उनका हृदय नवनीत के सरीखा था। उन्होंने कभी भी राजनीति में रह कर के भी साहित्य का दामन नहीं छोड़ा और साहित्य को राजनीति में हावी करने का प्रयत्न भी नहीं किया। वो हम मुझसे कहा करते थे कि कवि को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैंने उनसे कई बार पूछा भी कि ऐसा क्यों, तो बोले कि कवि को सहज रूप से अनुभूत होने वाली जो यथार्थ है वो यथार्थ राजनीति के लिए कटु हो जाता है। बिल्कुल। और कवि सत्य बोलने का आदि होता है। वो जनता के दुख दर्द को देखता है, तो राजनीति में रहकर भी राजनीति के विरोध में कहने के लिए उसका मन करता है और वो उस अपने मन और अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा नहीं पाता और उसे छंदों में अभिव्यक्त देता है। राजनीति उसे सहन नहीं करती तो उसका विरोध शुरू हो जाता है और विरोध के परिणाम स्वरूप उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना राजनीति में रह करके करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी, अटल जी ने तो इसको साध लिया, साहित्य को भी साधा, और ऐसा भी नहीं है कि छद्म रहा, जो बोला साफ रहा, उसके बाद में भी बहुत कद्दावर तरीके से राजनीति की। राजनीति में वो सर्वसहा थे, सब कुछ सहन कर जाते थे। उन्होंने अनेकानेक पराजय भी स्वीकार कर ली, लेकिन पराजय स्वीकार करने के बाद भी उन्होंने कहा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठांगूंगा है, क्योंकि वो जात कहते थे कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो गीत गाने का अर्थ है कि संसार में रह करके उसके सकर्मकता को जीते हुए एक नए आयाम का निर्माण करो, और उस नए आयाम का निर्माण करने में उन्होंने अपने आप की महत्ता को साबित किया। वो ना तो जातिवादी थे और ना परंपरागत राजनीति को अपनी रीति नीति के अनुसार देखने वाले थे। वो राजनीति करते थे मनुष्यता की, क्योंकि वो जानते थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मनुष्य का देह बड़े दुर्लभ स्थिति में मिलती है और मनुष्य चाह करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है अपनी क्रियाओं के माध्यम से, और तो अपनी क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य चाह करके देवत्व को तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन देवता चाह कर भी मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं होता। तो मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, देवता चाह कर भी मनुष्य नहीं बनता। रतन साहब, कवि के रूप में क्या आपने कभी मंच साझा किए हैं, कवि के रूप में आपने उनको देखा है इस ढंग से? हाँ, अनेकों बार मंच साझा किए हैं। इंदौर में साझा किया है मंत्र उनके साथ, मंच यहाँ इंदौर के अधिवेशन में कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अभी तक दो महाधिवेशन हुए, बम्बई में हुए दोनों, दोनों कवि सम्मेलनों में उनके साथ रहा, मथुरा में उनके साथ रहा, और अनेक प्रसंग हैं। वो शिविरों में वो आया करते थे, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शिविर लगते थे, अटल जी उसमें आते थे, उन शिविरों में आकर के वो अपनी बात कार्यकर्ताओं से करते थे। उनकी इतनी बड़ी सादगी थी कि वो कार्यकर्ताओं में आते तो जो सुख जो सुविधा जो व्यवहार सारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जाता था वही व्यवहार वो अपने लिए अपेक्षित करते थे।
कोई उनके लिए अलग से तामझाम की आवश्यकता नहीं होती थी। जब वो आते थे तो वो ये कहते थे कि नहीं, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहूँगा। हमने देखा है जब कार्यकर्ताओं का भोजन होता है तो वो पंक्ति में आकर के बैठ जाते, जो कार्यकर्ताओं को परोसा जाता वही उनको परोसा जाता। और उसे वो एक शिविर की व्यवस्था होती थी, बौद्धिक के पश्चात, चिंतन के पश्चात, समस्याओं के जानकारी के पश्चात, संगठन की जानकारी के पश्चात, जब भोजन होता भोजन के पश्चात। ये नियम था कि अपनी अपनी पत्तल निर्धारित स्थान पर जाकर के रखो। तो बहुत से उत्साही कार्यकर्ता चाहते थे कि हम उठा लें पत्तल इनकी पत्तल, पर वो किसी को पत्तल उठाने नहीं देते थे, अपने हाथ से उठाते और निर्दिष्ट स्थान पर ले जा करके रखते थे। कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत थे। राजनीति के तो दिनकर थे, वीरस्वान थे, उनके ही परिवार उनके परिणाम स्वरूप ये कमल खिल पाया है। वो फाउंडर जो उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था। तो कवि के रूप में और राजनेता के रूप में वो सर्वग्राही रहे। विरोधियों तक ने उनकी प्रशंसा की, वे आजाद शत्रु थे, उनके लिए शत्रुता का भाव जिन लोगों के मन में, एक बार सोनिया गांधी जी ने कह दिया था ना कि ये तो इनका मानसिक स्तर खराब है, तब उन्होंने कहा अरे राजनीति में मुझे इस तरीके के वाक्यों का सामना करना पड़ रहा है, है? तो वो कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन तो करते, मनुष्यता का कभी उल्लंघन नहीं किया। राजनीति में उन्होंने उच्च स्तरीय राजनीति की, वो कभी भी मर्यादा के विपरीत आचरण करना पसंद नहीं करते थे। और अपने कार्यकर्ताओं को भी इस बात की प्रेरणा देते थे कि वो अपनी मर्यादा में रह करके आचरण करें। उन्होंने तो कई सभाओं में खुले रूप से इस बात की घोषणा की कि हम वो लोग हैं जो कभी भी कमर के नीचे प्रहार नहीं करते। राजनीति में उन्होंने कमर के नीचे प्रहार नहीं किया और उच्च स्तरीय साहित्य का सृजन किया। तब 2005 के बाद में अटल जी एकदम विमुख से हो गए थे, तब तक तो स्वस्थ भी थे, बाद में बीमार होते रहे। क्या उनको लग गया था कि अब उनकी जो विचारधारा है, जो उनका समय है, अब वो खत्म हो गया है? क्यों अचानक वो सबसे विमुख हो गए, क्यों अचानक सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया? ऐसा कुछ नहीं था। शारीरिक जो गतिविधियाँ थी, शारीरिक जो स्थितियाँ थी, उन स्थितियों ने उन्हें मजबूर किया था। वो अस्वस्थ और रुग्ण थे। उन्होंने आसेतु हिमालय की कई कई बार परिक्रमाएं की, भारत माता की, वो घूमते रहे। आज का नेता तो वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से जिन स्थानों पर पहुँच रहा है, वो सशरीर वहाँ पर जा कर के उपस्थित हुए और उन्होंने पार्टी के काम को बढ़ाया। ये उनकी विशेषता थी। वो पार्टी का काम करने में कि जरा सी भी देर नहीं लगाते थे। जो काम था वो किया। उन्होंने दीनदयाल मुखर्जी जी के साथ में काम किया, दीनदयाल जी के साथ में काम किया, और फिर सारा का सारा भार जब उन पर आ गया तो पार्टी को उन्होंने कहाँ से कहाँ ले जा करके रख दिया। आज की पीढ़ी जो आज सत्ता के सुख को प्राप्त कर रही है, उस सत्ता के सुख तक उन्हें पहुँचाने के लिए जो सद प्रयत्न हुए, उन सद प्रयत्नों में उन्हीं का योगदान। साहब उनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं, जैसे मौत से ठन गई, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, ऐसा लगता है कि वो कवि के रूप में सूफी थे। मतलब मौत से बहुत नज़दीक थे, उस पर बात किया करते थे, उसे जीतने की बात किया करते थे और लौट कर आऊँगा, मौत से क्यों डरूँ, ये सब चीज़ें थीं। तो उनकी कविताओं में इस तरह की चीज़ों को आप किस ढंग से देखते हैं? वो दार्शनिक भाव रखते थे इस बात के लिए। वो इस बात को जानते थे कि मृत्यु जो है शाश्वत सत्य, जन्म के साथ ही जुड़ा होता है। जन्म के साथ जो प्रसन्नता का भाव होता है, मृत्यु के साथ भी अगर वही प्रसन्नता हो तो उसके भागवत होने में कोई कसर नहीं रह जाती। जो मृत्यु का वर्णन करते हैं, बहुत हंसते हंसते मृत्यु का वर्णन करते हैं, वो लोग जो हैं साहसी होते हैं। हमारे यहाँ पर तो उदाहरण है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को मालूम है कि सातवें दिन उसे तक्षक ने दर्शनाए, लेकिन वो सातवें दिन भय से भाग करके चिकित्सकों की शरण में नहीं गया, दवा दारू लेने के लिए उपकृत नहीं हुआ। वो ज्ञान के घाट पर बैठ करके अपने मृत्यु को सुंदर बनाने का प्रयत्न करता रहा, और सात दिन तक उसने श्रीमद् भागवत जैसे पारायण ग्रंथ का श्रवण किया, श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया, अपने पुण्य कार्यों का स्मरण किया और धीरे धीरे अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दिया। तो परीक्षित का जो
भाव था वो मृत्यु को सुंदर बनाने का भाव था। उनका अपना जीवन, अटल जी का अपना जीवन तो जो है संघर्ष से भरा हुआ ही था। उनके जीवन के सौंदर्य को समझने वाले वही लोग हो सकते हैं जो उनके निकटस्थ थे। राष्ट्र ने तो उन्हें बहुत समर्थ पुरुष के रूप में देखा। वाणी की कही जो प्रगल्भता थी, उनकी जो भावनाएँ थी उससे परिचित हुए। विरोधी तक उन्हें सुनने के लिए ललायित रहा करते थे। ये उनकी वाणी का प्रभाव था। जब वो बोलते थे तब ऐसा लगता था जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जड़ चेतन सारे के सारे मुग्ध हुआ जाया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जब वो अपनी बात कहने के लिए समाज के बीच में खड़े होते थे तो सभी सहयोगी, विरोधी या अन्य जो भी लोग हो उन्हें सुनकर के अपने आप को मंत्रमुग्ध सा महसूस करते थे और अपने आप को सच्चाई के निकट पाते थे। आप भी एक कवि हैं। अब चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़ा कवि, एक बड़ा नेता, एक बड़ा व्यक्ति हमने खो दिया है, किस तरह से देखते हैं राजनीति में अब इस तरह के व्यक्ति क्या फिर से आएंगे? क्या क्या फिर से हम अटल युग कभी देख पाएंगे? अटल जी का जो स्वरूप अभी तक हमने देखा है उस स्वरूप के राजनेता आज ढूंढे से नहीं मिलते हैं। और ना दूर दूर तक दृष्टि डालो तो उस तरीके की भावनाओं को रखने वाला कोई राष्ट्र पुरुष या भारत माता का सेवक हमें दिखाई नहीं देता जो इस तरीके से एक साथ सभी को संतुष्ट करने की क्षमता रखता हो। वैर और विरोध की जमीन पर खड़े होकर के राजनीति की जाती है वो कभी भी सफल नहीं होती क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं विरोध का भाव होता है। अटल जी विरोध भी ऐसा करते थे कि विरोधी को भी ये लगे कि हाँ इस आदमी ने बहुत उचित तरीके से अपनी बात की। रहा प्रश्न उन सरी के व्यक्तित्वों का वापस लौट करके आना तो वीरभोग्या वसुंधराय वो कहता है ना कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मैं बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, पुनः माता के गर्भ में आता हूँ और पुनः जन्म धारण कर लेता हूँ। तो हो सकता है उनकी जो विक्षुब्ध आत्मा थी, जो उनके जो शेष कार्य रह गए इस ज़मीन पर उसे पूरा करने के लिए एक बार वो पुनः भारतवर्ष में जन्म ले। और हम भी परमपिता परमात्मा परमेश्वर शिव से यही मंगल कामना करते हैं कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी हमें एक बार फिर से लौटा दो ताकि देश की उन तमाम तमाम जख्मों को मरहम लगाने की कामयाबी उन्हें प्राप्त हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद में आपका जो दर्द है वो सामने आया, आपका विक्षोभ सामने आया और आपने ये बताया कि जो वर्तमान के राजनीति के चेहरे हैं वो कहीं उनसे मेल नहीं खाते। ये किस तरह का दर्द था? एक कवि का दर्द था या एक राजनीतिक का दर्द था? स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। संपूर्ण जीवन राजनीति को समर्पित करके एक लंबी पारी खेलने के बाद भी अपवाद या किसी प्रकार का धब्बा माननीय अटल जी के चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर दिखाई नहीं देता। तो वो पूर्ण रूप से बेदाग राजनीति करके उसी तरीके से चल गए जिस बात को कबीर ने कहा था कि दास कबीरा जतनते ओढ़ी जोंकी त्यों धर दीनी चादर झीनी झीनी झीनी। उन्होंने अपनी चादर वैसी की वैसी कोरी की कोरी रख दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी चादर को बहुत संभाल करके उपयोग में लिया था। एक प्रश्न है, मैं इसे चाहूँगा, जो आपने पिछले दिनों बताया भी है कि आपने बहुत साफ कहा, आपने मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया प्रधानमंत्री का, आपने दूसरे नेताओं का नाम भी लिया, आपने कहा कि वो उनके कहीं आसपास भी नहीं हैं, तो ये इसमें आपने क्या कहना चाहे? मोदी जी की कार्य पद्धति और अटल जी की कार्य पद्धति में आमूलचूल अंतर है। सिद्धांत वही है, जमीन वही है। दीनदयाल जी उपाध्याय का सत्कर्म है, मुखर्जी जी का सत्कर्म है, अटल जी का सत्कर्म है। मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं और मोदी जी का जो संकल्प है वो राष्ट्र रक्षा के लिए तो वैसे ही है जो अटल जी के मन में था, वही मोदी जी के मन में, क्योंकि एक अवसर ऐसे ही आया था। एक अवसर ऐसा भी आया था जब लोगों ने कहा था कि अरे अटल जी को युद्ध करना चाहिए, करगिल का युद्ध किया उन्होंने
और उस युद्ध को मैं विजय प्राप्त की, जबकि विश्व के तमाम तमाम युद्धों से सबसे भयंकर युद्ध था वो। हमारा जो दुश्मन था, घुसपैठी था, वो ऊपर था और हम जमीन पर थे। जमीन से लड़ करके ऊपर की लड़ाई लड़ना बहुत दुरूह कर्म था, है, लेकिन उस दुरूह कर्म को सरल बना करके उस जंग को जीतने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। कवि थे उस समय, मैंने उनके विरोध में कहा, वो विरोध में इसलिए कहा कि जनता की आवाज़ थी, तो मैंने अपनी एक कविता लिखी भेज दी उनको। क्या थी कविता? मैंने उनको कविता लिखी और भेज दी, और भेज दी तो उसमें यही था, उसकी पंक्तियाँ थी, पंक्ति तो यही थी कि रिश्तों वाली दुनिया में कुछ अपने होते हैं, इन अपनों में अपनों के कुछ सपने होते हैं, अपने और सपने में भी एक रिश्ता नाता है, एक नाचता है तो दूजा गीत सुनाता है, पर सबको नहीं मिला करती हैं सपनों की सौगातें, भाग्यवान हैं वो जिनके सपने अपने हो जाते हैं। अब सपने का फलना और फल सपनों का फलना, अपना सपना फल जाने पर जो बोरा जाते हैं, उनके सपने फल कर भी फल कोई नहीं पाते हैं। सपनों का फलना और फल पाना निष्ठा का फल है, उनका ही सपना फलता जिनका विश्वास अटल है, जिनका विश्वास अटल है। ये लिखा था मैंने, फिर अब उसमें तंज किया मैंने कि हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, मेरी पुस्तक में भी प्रकाशित हुई है वो पुस्तक। मैंने उन्हें भेंट की, बोले अच्छा आपने हम पर भी व्यंग किया है, तब उन्होंने जो मुझसे कहा वो भी इसमें मैंने समाहित किया है। बोले हमने भी सपना देखा था अटल प्रधान बनेंगे, कश्मीर में हम भारत माँ का जयगान करेंगे, लेकिन केसर की क्यारी में मुंडों की खेती है, बिलख बिलख श्यामा प्रसाद की दिव्यात्मा रोती है। बिलख बिलख श्यामा प्रसाद को अणुशक्ति से युक्त आपने भी बनवाया बम है, बम तो है पर उसे फोड़ने की ताकत ही कम है। रोज रोज की किटकिट से तो अच्छा है सलटा दो, एक बार में युद्ध जगा कर सारा कष्ट मिटा दो। तब वो बोले थे, उसको भी मैंने कविता में समाहित किया। उन्होंने कहा सत्तन जी सब कहते हैं मैं वो न रहा, सब कहते हैं मैं वो न रहा जिसकी सब करते थे आशा, मेरा मन भी यह कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा। भारत को बना महाभारत जन जीवन की गति रुद्ध करूं, सब कहते हैं मैं वह न रहा जिसकी सब करते थे आशा, मेरा मन भी यह कहता है पूरी कर दूं जन अभिलाषा। भारत को बना महाभारत जन जीवन की गति रुद्ध करूं, घर के गद्दारों से निपटूं अथवा सीमा पर युद्ध करूं, घर के गद्दारों से निपटूं अथवा सीमा पर युद्ध करूं, घर के गद्दारों से निपटूं अथवा सीमा पर युद्ध करूं। सीमा पर सैनिक लड़ते हैं माता की जलती छाती है, सच कहता हूँ यह देख देख कर मुझको नींद नहीं आती है, मुझको नींद नहीं आती है। जो भबक भबक कर सुलग रही, जो भबक भबक कर सुलग रही वो राख चढ़ी चिनगारी हूँ, जो भबक भबक कर सुलग रही वो राख चढ़ी चिनगारी हूँ, पीड़ाएं गोद लिए फिरता मैं सचमुच अटल बिहारी हूँ, मैं सचमुच अटल बिहारी हूँ, मैं सचमुच। गुरु जी अंत में बस एक ही बात कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है, जिस तरह से बयानबाजी होती है, जो आपने कहा कि अटल जी पैड के नीचे वार नहीं किया करते थे, इस वक्त अटल जी होते तो किसी मंच से जिस तरह से उन्हें गुजरात में उन्होंने मोदी जी को नसीहत दी थी कि राजधर्म का पालन किया जाए, इस वक्त होते तो किस तरह का निर्देश देते, किस तरह का आदेश देते? इस समय होते तो ये सब स्थितियां ही निर्मित नहीं होती जिनके लिए हम विचार कर रहे हैं जी। सवाल ही नहीं होता,
और इस समय होते तो वो तो संघर्ष से जीवन व्यतीत करते थे, शांति के अभिलाषी थे, सर्व मंगल मांगल्य की कामना थी उनके अंतर मन में, मनुष्य के प्रति समता का भाव था, वो उनमें कभी कोई विद्वेष नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये सब समझते ही नहीं थे, वो भारतीयता को समझते थे, इंसानियत को समझते थे, भारतीयता और इंसानियत को समझते हुए उन्होंने अपने आचरण को निर्धारित किया। वो जैसे थे वैसे अपरिवर्तनशील फैक्टर थे, वो आनंद मूर्ति थे, वो क्रोध राष्ट्र के की हुए के अपमान के प्रति वो बिल्कुल शंकर की तरह जो है प्रलयंकर हो जाते थे, लेकिन उनके शांत स्वरूप से आशुतोष की तरह शांत भी हो जाते थे। तो उनका जो स्वरूप था वो उन्हीं का स्वरूप था। कुछ तो कहते आज की स्थिति के लिए उनकी जो वाणी है बच्चों, क्योंकि वो खामोश रहने वाले उसमें नहीं थे। नहीं, खामोश रहने वाले तो थे ही नहीं वो, हैं वो उन्होंने कहा ही था ना, और हम कहते हैं उनके बारे में कि आज वो नहीं है, लेकिन हम उनकी जब विचार को लेकर के और चर्चा करते हैं तो हम यही कहते हैं कि भारत माँ का मान पुजाने वाले तुम संस्कारी थे, भारत माँ का मान पुजाने वाले वो संस्कारी थे, भिन्न विचारों में कर्तव्य निभाते वो सुविचारी थे, धीरोदात महानायक स्वयंपि मृगेंद्रताधारी थे, विस्फोटों के बीच मुस्कुराते वो अटल बिहारी थे। किसी भी विस्फोट से डरने वाले नहीं थे वो, कि दबने वाले नहीं थे, और सत्य का पक्ष को कभी भी छोड़ने वाले नहीं थे, उचित जो है वही करते थे, अनुचित की तरफ कदम उठाना उनके चारित्र की किताब में लिखा हुआ नहीं था, और ना वो किसी को ऐसा कर देख करके सहन कर पाते थे। आज की परिस्थितियों में अगर वो होते तो इसको अनुकूलता के रूप में सहज रूप से ढाल देते। वो उनकी आत्मा तो राष्ट्र के लिए ही व्यथित रहती थी, उन्होंने कभी किसी को की सिफारिश नहीं की, योग्यता से के मानदंडों से आगे आओ, ये उनकी विशेषता थी। तो जी, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों तक अटल जी की बातें पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।